पॉलिटिकल एक्सपर्ट ए के मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे विद्वान मित्र अनिल मिश्रा जी ने जो बोला, मैं बोलूंगा गली के नेता किसी के दरवाजे पे चले जाते हैं ना, तो ऐसे लोग साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना धन्यवाद मांगते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी है, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है, उनके भी अपने इंटरेस्ट है। और रही बात अगर आप ग्लोबल डायनामिक्स में देखेंगे, पॉलिटिकल डायनामिक्स की अगर बात करें, तो इतना ज्यादा अमेरिका भारत के साथ नहीं कर सकता, 1971 में नहीं कर सका। एक चीज और, नफे नुकसान के तराजू पे अगर आपको तोलना है तो, और बनिया के हिसाब से अगर तोलना है तो मैं बोलूंगा जितना भारत को आज अमेरिका की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका की जरूरत है। ये ऐसे सो कॉल्ड जो इकोनॉमिस्ट टैलेंट के लोग हैं, इकोनॉमी के पैरामीटर पे इस विजिट को देख रहे हैं, ये उनके लिए है। और जिसको ज्यादा डिबेट करनी है मैं इकोनॉमी पैरामीटर पे भी कर लूंगा, क्यों अमेरिका को हमारी जरूरत है। मैं कुछ पास्ट की बातें आपको उठाना चाहूंगा। रिचर्ड निक्सन वही अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, आप इसको राजनीति पे लेके मत जाइए। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी थी, एक बहुत गंदा शब्द उन्होंने यूज किया था, ये उस शब्द को सुन करके मतलब हम लोगों का मन ग्लानि से भर जाता है। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो उस वक्त आप देखिए गेहूं जब उन्होंने मंगाया था तो थर्ड क्लास का गेहूं भारतीयों को खाने के लिए अमेरिका ने दिया था। एक चीज मैं और बताऊं, जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तो क्रायोजेनिक इंजन के लिए इसी अमेरिका के पास गए थे और उन्होंने ये बोला था कि हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद रूस को अप्रोच किया, इसी अमेरिका ने वहां पे भी टांग अड़ा दिया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आप से बनाया। आज अभी तक आप हेड देख रहे थे, जो बलवान देश होते थे, पूरा सिक्के का पहलू ही बदल गया, 180 डिग्री आप देखिए। वैश्विक रिलेशनशिप में अगर आप देखते हैं तो आज भारत का जो रोल है वो एकदम से बदल गया है। मैं देखिए एक संकल्पना जो मजबूत भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विश्वगुरु वाले भारत की जो है, देखिए कई टीवी चैनल पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतना खर्च हुआ, ये हुआ, हर चीज को नफे और नुकसान में नहीं तोला जाता है, कॉस्ट नहीं देखी जाती है। आप परसेप्शन देखिए, वो पुराना ऐतिहासिक स्वर्ण युग वाला परसेप्शन जहां पे कि भारत के सभी मित्र होते थे, ना भारत किसी का अपमान करता था, ना भारत का कोई अपमान करने की जरूरत करता था, वो ये चीजें आज आ रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग ऐसा बोल रहे होंगे, आप इसको राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक मुद्दे पे मत लेके जाइए, बहुत से लोग बोल रहे होंगे क्या फायदा होगा। मैं आपको बोलूं, अमेरिका अपने डिफेंस और हाईटेक रिसर्च का एक्सेस किसी को जल्दी नहीं देता है। वो अगर किसी को अपने वायुयान या फाइटर प्लेन वगैरह देता है तो बहुत लो वर्जन का देता है। इन सारे प्रयासों का, ये जो डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप जो चला हुआ है, जो ऐतिहासिक कभी हमारे यहां होता था, उसका असर ये पड़ रहा है कि अमेरिका के जितने भी लेटेस्ट इन्वेंशन है, रिसर्च है उस फील्ड में, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं भारत को मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, और क्या रिजल्ट आप चाहते हैं? लेकिन आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और भी बराबरी का दर्जा देते हैं तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमेशा से अपने स्वार्थों को केवल देखता है। पूरे विश्व में इकलौता वो देश है जिसके लिए सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब एक भावनात्मकता नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज को वो बतौर एक बिजनेसमैन ही सोचता है अमेरिका, चाहे जिस देश के साथ भी रहा हो, उसका दोस्ताना रवैया रहा हो, चाहे जिस देश के साथ उसका मतलब एक तरह से कूटनीतिक चाले रही हो, उसने हमेशा अपने लिए एक बिजनेसमैन के तौर पर सोचा। इसका सबसे सटीक जवाब ये है, अपने देश के नेता इलेक्शन के पहले पाकिस्तान में जाके वोट मांगते, भाई हमें चुनाव जिताओ, सरकार बनाने में हमारी मदद करिए। तो इतना नैरो माइंडेड होकर सर इसको एनालाइज मत करिए। यादव साहब, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक समय ऐसा था जब हम अमेरिका से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। एक टाइम वो भी देखा है। डीपी यादव साहब, चिल्लाइए मत। जो चुनाव के पहले पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, जरा दो शब्द उनके लिए भी बोलिए। जानकारी मत बताइए, आप बताइए उनके बारे में बोलेंगे आप। विशा साहब प्लीज रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट। डीपी यादव साहब हल्ला मत मचाइए, पाकिस्तान में जाके हल्ला मत मचाइए। डीपी यादव साहब आराम, हमने अपने संबंधों को हीरा छोड़ दिया, इस मामले में नहीं छोड़ा गया। अगर उसने पाकिस्तान को खास दोस्त बोला, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। वहाँ पाकिस्तान अमेरिका के रामोक्रम पर है। बदलते हुए वैश्विक माहौल में अगर किसी भी देश या व्यक्ति ने उस माहौल के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला, उसका फायदा नहीं उठाया,
तो वो पीछे रह जाता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे सेना से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से। मैं बोलता हूँ अगर भारत एक रोल प्ले कर सकता है तो उससे कोई बुराई नहीं है। ठीक है, भारत सचेत था है। आप लोगों की जो आशंकाएं हैं, जो प्रिकॉशन है, ऐसा नहीं है कि देश उन चीजों में सचेत नहीं है। मैं आऊंगी इसकी बात में। अनिल जी, आप अपनी बात ठीक है। यादव साहब हाथ जोड़ रही हूँ सर, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, अभी आऊंगी तब बोलिएगा प्लीज। इस चीजों को समझें। और दूसरा मैं बहुत बड़ी बात कहूंगा, चीजों को बहुत न्यूट्रल होके देखने की जरूरत है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में राष्ट्रपति के प्रचार में नहीं गया, ये मैं चैलेंज साथ करता हूं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने किया है ठीक 5 महीने पहले। अगर हाउडी मोदी कार्यक्रम का वो सीन याद हो तो ये हमारे देश के इतिहास में नहीं, मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड के इतिहास में अनोखा उदाहरण है कि ट्रंप का हाथ उठाकर जो नारा यहां लगता था मोदी जी ने वहां लगाया। अब हमको समीक्षा ये करनी है, ये व्यक्तिगत दोस्ती का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं या दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं? हम अपने को कहां खड़ा देख रहे हैं और अमरीका को कहां खड़ा देख रहे हैं? दिए बैठे हुए हैं तो वो टेक्नोलॉजी देंगे तो अपने सोर्स में देंगे, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि अगर किसी एक देश पर डिपेंडेंट हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो उसकी जो कमजोर कड़ी होती है वो हमेशा कंट्री अपने पास रखता है। आप मेरी बात सुन ले। इसीलिए बड़ी बैलेंस राजनीति की जाती है कि अगर हम पूरी तरह से अमरीका की तरफ चले गए जैसा डिफेंस डील की बात हो रही है तो हमें बड़े से बड़े हथियार दे देंगे, बड़ी से बड़ी लेकिन कमजोर कड़ी होती है वो हमेशा रहती है। इसलिए इन चीजों को हर चीज में आप डाउट क्रिएट करिए। मैं बोलता हूँ इजराइल से भी हमारी डील है, पैरेलल डील हमारी रशिया से भी चल रही है, चारों तरफ से हम संबंधों को मधुर बना रहे हैं। और दूसरी चीज नहीं, एक चीज और सुनिए, राष्ट्रों का महाशक्तिशाली देश के रूप में अभ्युदय कैसे होता है, मौके ऐसे हिस्टोरिकल टाइम जंक्शंस बहुत कम आते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे शक्तिशाली देश नहीं होता अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने एक स्पेसिफिक रोल प्ले न किया होता, मौकों को इनकैश न किया होता। मैं बोलता हूं ये क्या कम उपलब्धि है कि अमेरिका को आज जरूरत पड़ रही है कि भारत का प्रधानमंत्री उनका जाके कैंपेन करे, भारतीय उनको वोट दे, वो आके यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको इसमें खुशी नहीं महसूस होती है? एक लाइन बोल दूं, मिश्रा जी को भी संतुष्टि हो जाएगी। रशिया ने भी इलेक्शन के पहले एक मैसेज दिया था, सुनना पसंद किया। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर देश चाहता है कि उनके फेवर की सरकार बने। मिश्रा जी एक लाइन बोल दूं, आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं फिर कहूंगा चीजों को बहुत समझने की परखने की जरूरत है, आत्मुक्तता में नहीं आना। क्यों? कारण बता दूं, अभी तक इंडिया विकासशील देश था, कम से कम गर्व से विकसित की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शायद आपकी भी जानकारी में जिस दोस्त को या जिसके ऊपर इतना विश्वास करके आप इतनी बड़ी बड़ी बखानबाजी करें, उसने हमको उस विकासशील देश से भी की लिस्ट से निकाल कर नीचे डाल दिया है। अगर हमारी दोस्ती, हमारे विकास, हमारी बराबरी का यही पैमाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक आवाज उठानी चाहिए थी कि किस हैसियत से तुमने उस लिस्ट से हमको नीचे, जो पूरे विश्व में पैमाना का प्रतीक होता है। एक तरफ अगर हम विश्व में आर्थिक शक्ति बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमको उस लिस्ट में अति पिछड़े देशों में डाला जा रहा है, ये समझने वाली बात है और इसका बहुत दूर दृष्टि है। अभी कल होने आप बोल रहे हैं, आपने ये बात रखी है कि अमेरिका की तरफ हम इतना झुक गए हैं कि हमने सारा चारों तरफ देखना बंद कर दिया है। आप गलतफहमी में है, हमने बोला हमने बात सुना करिए भाई, जापान पूरी बात नहीं, जापान के साथ हमारे रिश्ते चीजों में आते हैं। यहाँ पे फ्रांस का राष्ट्रपति यहाँ पर आता है, ब्रिटेन का राष्ट्रपति आता है, यहाँ प्रधानमंत्री आता है, रशिया के साथ हमारे संबंध है। आप देखिए 4-5 सालों में ग्लोबल स्तर पर हमने जो काम किया है, क्या बात करते हैं आप, हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बाकी है, वो आ जाए तो सारा नॉर्म पूरा हो जाए, फिर देखिए कैसे जो है वो होता है। ठीक है पंकज जी, बहुत देर। ठीक है मिश्रा जी, आखिरी कमेंट। देखिए जो लोगों को डाउट हो रहा है ना बहुत सारी चीजों पे, पिछले 5-6 सालों में हमने अमेरिका को सीधा जवाब भी दिया है, मना भी किया है। आप निश्चिंत रहिए, हम पाकिस्तान की तरह इंडिया रोल प्ले नहीं कर रहा है कि पैसे लिए और आतंकवाद की फैक्ट्री लगा दी। इतनी संचेतना, इतनी सुरक्षा हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट बैठे हैं उनके पास है। मित्रता पूर्वक अगर कोई काम हो रहा है, आज अगर ब्रिटेन हमारे पास आ रहा है, आज अगर अमेरिका आ रहा है, चाइना के राष्ट्रपति आ रहे हैं, गल्फ के आ रहे हैं, जापान आ रहा है, क्या है, जापान आ रहे हैं, इसराइल के लोग आ रहे हैं और आत्मीय संबंध बन रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज को क्रिटिकल निगाह से देखना,
सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए, सचेत होना चाहिए, लेकिन जो चीजें अच्छी हो रही हैं, रिलेशन अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक उपलब्धि है। बिल्कुल मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, बड़ी पुरानी कहावत और परंपरा रही है अतिथि देवो भव। हजारों साल के बाद पूरी दुनिया, मेरे ख्याल से कृष्ण और सुदामा के बाद अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि भारत का जो सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव, वो क्या होता है। ये ऐतिहासिक तथ्य हो गए हैं। भारत कभी विश्व गुरु था, हमने पूरी दुनिया पे राज किया था, तलवार उठा के नहीं, हमने मित्रता से किया था, हमने लोगों का दिल जीत के किया था। आज वही घटना फिर मेरे सामने चरितार्थ हो रही है और ये गर्व का विषय है।